नाज़िक-ए-किराम आदाब। नाज़िक-ए-किराम, जैसे कि आपको मालूम है कि बालासोर में ज़रा सी बारिश हो जाए तो रास्ता नाला डूब कर दरिया के रूप अख्तियार कर लेती है, यानी नदी के शक्ल जो है अख्तियार कर जाती है। नाज़िक-ए-किराम, गुज़िश्ता कल रात जो है तेज़ बारिश हुई, होने के बाद जो है शहर के कई अहम जगहों को जो है डुबा गया। रास्ता से पानी लबरेज बहकर जो है दुकान, कई मॉल तमाम डूब गए और कई होटल जो है डूब गए। आप देख सकते हैं कि होटल रेनबो किस तरह डूब गया। तो ये तमाम नज़ारा जो है बालासोर शहर का है और बालासोर शहर के अहम रास्तों का है। नाज़िक-ए-किराम, हमेशा से बालासोर में ज़रा सी बारिश हुई तो रास्ता जो है पानी से लबरेज हो जाता है। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि बालासोर के सदर MLA स्वरूप कुमार दास सुबह 4 बजे से निकल कर जो है इन तमाम परेशानियों को किस तरह ख़त्म किया जाए, किस तरह लोगों को फायदा पहुंचे, किस तरह लोगों को जो है इस परेशानियों से छुटकारा मिले, इसको लेकर जो है वो किस तरह फिक्रमंद है। और देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो खुद सुबह 4 बजे से निकल कर जो है मुआयना कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ पे पानी जम गया है, किस तरह उसको पानी को निकाला जाए, उसके लिए फिक्रमंद है। और साथ में अपने वार्ड काउंसलरों को भी साथ में लेकर किसके वार्ड में जो है किस तरह पानी भर गया है, तमाम चीज़ को लेकर फिक्रमंद नजर आए। आइए इस वक्त जो नज़ारा आप देख रहे हैं कि 26 नंबर वार्ड का नज़ारा है, 26 नंबर वार्ड काउंसलर से अयूब भाई भी साथ में MLA के हैं। आइए इस वक्त MLA कहा, क्योंकि बारिश का पानी हमेशा से जम जाता है और खासकर महानाला भी भरपूर लवरेज होकर जो है रास्ते में पानी बहने लगता है, तो इस वक्त सदर MLA साहब ने क्या कहा वो सुनते हैं। और साथ में जो 26 नंबर वार्ड काउंसलर हैं शेख अयूब भाई, उन्होंने क्या कहा वो भी सुनते हैं। तो निश्चित भाव कल रात गोटे कंटिन्यूस वर्षा एकदम बहु प्रबल वर्षा मध्ये, तो विगत वर्ष जो परिस्थिति थिला जे वर्षा होगा घंटा घंटा धरी पानी कटि पार्ला, आज से परिस्थिति ना। बालासोर म्युनिसिपालिटी द्वारा विभिन्न एग्जिट पॉइंट और महानाल को भल भाव सफा कराई, जहाँफल कि प्रबल वर्षा हेल्ले भी 15-20 मिनट भितर आम वाटर लगिंग जो हो कटि होता सत्वे भी बहुत जगार पानी बुड़ी रोचे, जो लो लाइंग एरिया अच्छी ड्रेनेज प्रपर ना, तो यहाँ गोटे बालासोर म्युनिसिपालिटी गोटे प्रस्तुत कर DPR प्रस्तुत कराई। बालासोर म्युनिसिपालिटी एरिया हूँ 20 स्क्वायर किलोमीटर, कितु जो DPR प्रस्तुति पाखापाखि 60 स्क्वायर किलोमीटर नहीं कराई, जहाँफल कि 85 स्तर पा भी जो म्युनिसिपालिटी एरिया पशिकी ये सबमर्ज करता तार स्थायी समाधान पर पाखापाखि आकलन 60 कोटी टकर प्रकल्प रखाई। समस्त काउनसिलर्स मान को लोकाल रिप्रेजेंटेटिव को इनवल्व कराई कौ एरिया ड्रेनेज नहीं कौन समस्या अवगत करने और जो जगह प्राइवेट प्लॉट दे ड्रेन जाऊँगी आइडेंटिफाई करवायर कराफल गोटे स्थायी समाधान पर माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को आम नवेदन करते से अर्थ मंजूर कर खूब शीघ्र से DPR प्रस्तुत होगापर गोटे बड़ आकार ड्रेनेज डिपार्टमेंट द्वारा टेंडर हम सिचुएसन तो खराब थी जहाँ आज मुझे आम सदर विधायक स्वरूप दास आज परिदर्शन कर सब जगह कौन कौन असुविधा अच्छे से बुझला किसी जगह शुखला खाद्य भी दिया बंटन कर तार गोटे परमानेंट सॉल्यूशन आम काढ़ मैंने आम गोटे ऑब्जर्वर टीम आसिकी यार मानने सर्वे करके आमको रिपोर्ट देखते या पर मुख्यमंत्री अर्थ मंजूर करता है पर आर वर्ष को तार समाधान बाट बाहरी पारे आम तापी चेस्ट करें जो भाया सर्वे कर किसी जगह लोकों प्राइवेट जगह बाहर से आम कि नबू सरकार किबू नहीं तार समातर परमानेंट समाधान काढ़ से आम यह विषय आम म्युनिसिपल मीटिंग भी होता जे सर्वे टीम दायित्व थिला से तार को प्रकार आम एटा काम कले सहर भितर पानी पशुनि से तार आमको आज बुझे तो ये आम जहाँ मानिक चलू आर वर्ष पर्यटन आम सिचुएसनटा ये प्रॉब्लम आम सम्मुखीन हबुनी।